ये लॉकडाउन का ही असर है कि बिना बैंड बाजा और बारात के शादियां हो रही हैं। दौलतपुर चौक के साथ लगते डंगोह खुर्द गांव में भी ऐसा ही हुआ है। गांव की सुनीता शारदा और सतीश शारदा ने बेटे स्मृति की शादी चंडीगढ़ के शगुन मिश्रा से चार पाँच लोगों की मौजूदगी में करवाई। हालांकि शादी 16 अप्रैल को थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। बुधवार रात चंडीगढ़ से दूल्हा शगुन मिश्रा सिर्फ अपनी माँ और चार पांच रिश्तेदारों के साथ पहुँचे और स्मृति को ब्याह कर ले गए। खास ये रहा कि जयमाला के समय वधु ने दूल्हे को मास्क उपहार में दिया। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। भोजन लाने की जो वस्तु है वो आज के बाद आपको मेरी अधीन करनी पड़ेगी। वो किस लिए? एक तो मेरा मान रखने के लिए, दूसरा मुझे पता चले घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। उसके उपरांत आज के बाद आप जो भी बाहर से धन कमा करके लाओगे उसमें से कुछ धन आपको मुझे भी देना पड़ेगा। ठीक है, अपने माता पिता को भी दो, मगर मेरे भी आज के बाद कुछ खर्चे होंगे उसमें से कुछ धन मुझे देना पड़ेगा। उसके उपरांत ना तो आपने कहीं विशेष कारण से बाहर शयन करना है, ना ही भोजन करना है। इसका भाव ये है कि हमारे धर्मचार पत्नी भवज प्रिय अस्थि तमाम वस्तुता बार कह रहा है कि ये प्रिय स्त्रियां जब पति की बाईं ओर बैठा करती हैं, कुछ समय पहले आपके माता पिताजी ने संकल्प करके आपका जो हाथ था वो मेरे हाथ में दे दिया था, आप मेरी पत्नी बन गई थी, मगर फिर भी आप मेरी दाहिनी ओर क्यों बैठी हुई हैं? आप उठो, मेरी बाईं ओर बैठो, मेरी अर्धांगिनी बनो। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जब तक सप्तपति संपूर्ण नहीं हो जाती है तब तक विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता है। इस करके अभी तक ये कन्या है तो कन्या कह रही है ना दाने विवाह सी लाजा हमने नेवी विवाह तू तदा क्यों जता सत्पकर्मा। कन्या कह रही है कि जो विवाह है जो मेरे माता पिता ने दान दिया मैं उससे विवाह नहीं मान रही हूँ। ये जो फुलियों का हवन हुआ फेरे हुए मैंने इससे विवाह नहीं मांगती हूँ। मैं विवाह उस समय मानूंगी जब हमारी सप्तपति हो चुके, मेरे जो सात वचन है यदि मैं आपको स्वीकार होंगे तो आपके बाएं अंग आकर के तैयार। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से AK कालिया की रिपोर्ट।